जनपद बिजनौर के महिला सिपाही ने अपने ही एएसपी पर मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। मुरादाबाद के आईजी कार्यालय पर पहुंची महिला सिपाही ने शिकायत की है और ये कहा है कि काफी महीनों से एएसपी साहब मेरे साथ मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं, जिसको लेकर मैं काफी परेशान हूं। आईजी से मुलाकात करने के बाद अब ये बात सामने आएगी कि कार्यवाही कैसे होती है। मुरादाबाद आईजी रेंज के कार्यालय पर महिला सिपाही ने रो रोकर अपने साथ बिजनौर के एएसपी के ऊपर शारीरिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाते हुए हड़कंप मचा दिया। महिला सिपाही का आरोप है कि बिजनौर के एएसपी रामनिवास मिश्रा उसे बार बार पुलिस लाइन के आरआई के मोबाइल पर कॉल कर बंगले पर बुलवाते हैं व उसके ऊपर बुरी नजर रखकर उसका शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। महिला सिपाही ने आज मुरादाबाद रेंज के आईजी रमेश शर्मा से मिलकर एएसपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मुरादाबाद के आईजी कार्यालय में महिला पुलिसकर्मी के साथ खड़ी ये सिपाही बिजनौर के डीसीबी आरबी कार्यालय में तैनात है। बिजनौर के एएसपी के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए महिला पुलिसकर्मी ने आईजी रमेश शर्मा को अपनी पीड़ा सुनाई है। महिला सिपाही का आरोप है कि वो बिजनौर के डीसी आरबी में तैनात है। बिजनौर में तैनात एएसपी रामनिवास मिश्रा उसके ऊपर बुरी नजर रखते हैं और वो पिछले 8 महीने से उसका मानसिक उत्पीड़न कर उसके साथ शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। महिला सिपाही का आरोप है कि पुलिस लाइन में रहती है, एसपी रामनिवास मिश्रा सीधे उसके मोबाइल पर कॉल न कर पुलिस लाइन के आरआई साहब के मोबाइल पर कॉल कर उससे बात करते हैं। वो उसे अपने बंगले पर बार बार बुलाते हैं, जब बंगले पर जाने से वो मना करती है तो उसका किसी न किसी बहाने मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अब वो एएसपी रामनिवास मिश्रा के उत्पीड़न से इतना तंग आ चुकी है कि आज वो मजबूर होकर मुरादाबाद रेंज के आईजी रमेश शर्मा के सामने पेश हुई है। उसकी मांग है कि एएसपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर उसे इंसाफ दिलाया जाए। मेरा शोषण कर रहे हैं वो शारीरिक मानसिक रूप से, अपने बंगले पे बुलाते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत। एसपी बिजनौर बुलाते हैं अपने बंगले पे शारीरिक शोषण के लिए? बेहद सर, मैं उनकी बात नहीं मान रही तो मेरा बेहद मुझे परेशान कर रखा उन्होंने। क्या नाम है? सर श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। अच्छा, वो कितनी बार बुलाया उन्होंने बंगले पे? सर कितनी बार बुला लिया, मुझे 8-9 महीने से परेशान कर रखा सर उन्होंने। क्या करते हैं, क्या फिजिकल टॉर्चर करते हैं? हाँ सर, बेहद कर रखा। मैं हर जगह ड्यूटी कर रही हूँ अपनी ईमानदार से, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। बंगले पे आओ और नहीं हमारी बात नहीं मानोगे, हम पता नहीं कैसे कैसे तरीके से बात करते हैं। अच्छा। कि बंगले पे आओ, बंगले पे मिलो हमसे। अच्छा। हमारे साथ ऐसे मतलब गलत तरीके से वो करो। सर मैं कहाँ तक वो करूँगी? सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहते हैं? जी सर। कभी कोशिश की उन्होंने आपको टच करने की? सर कोशिश, मुझे बहुत परेशान कर रखा सर। अच्छा। मैं बहुत परेशान हूँ। कितने दिनों से हो रहा है ये सर? सर 8-9 महीने हो गए, और मैं एक बार हो भी चुका कप्तान सर ने, मतलब सब बात हो गई थी वहाँ पे, सब समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी परेशान किए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी सर, क्या नाम उनका? श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। कोई कार्रवाई नहीं सर? कार्रवाई कर कब पता नहीं है सर मुझे। क्या आपको किस तरह की धमकी देते हैं? बंगले पे आ जाओ। नहीं गई मैं, जब मैं नहीं उनकी बात मानी तब ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। क्या करा उन्होंने? मुझे परेशान किया जा रहा है मानसिक रूप से भी। अच्छा। बेहद मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ। फोन कॉल रिकॉर्डिंग पे आ रहे सर से के फोन पे बात हुई थी। अच्छा। एक बार कराई थी सर। अच्छा। मैं परेशान हूँ बस इतना। 11 बज की हूँ।